हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बी एन इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका इस सेशन में। और टाइटल आप देख चुके होंगे इस वीडियो का, 20 डेज की स्ट्रेटेजी है और सीजीएल मेंस के बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। आपको मालूम है दो दिन पहले ही यहां पर आप एसएससी ने डेट्स निकाली है मेंस की, जिसमें दो एग्जाम उन्होंने दिए हैं, बताए हैं। पहला एग्जाम है यहाँ पर सीजीएल टीयर टू मेंस का, जो शेड्यूल्ड है यहाँ पर हमारा कब, मार्च में 2 तारीख से, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ऐसे ही CHSL 2022 टीयर 1 का एग्जाम जो है वो 9 से लेकर 21 तक है। तो बात करते हैं आज CGL टीयर 2 मेंस के बारे में, ठीक है, टीयर 2 के बारे में, 22 के बारे में। तो ये 5 डेट्स हैं, अभी ये फिक्स नहीं है कि इन हमारे पास ये 6 डेट्स हैं, अभी फिक्स नहीं है कि रोज एग्जाम होगा, ठीक है, एक संडे पड़ रहा है बीच में, क्या आपका उस दिन एग्जाम हो या ना हो, और इसी में ही आपका ASTO का एग्जाम भी जो है वो होना है इन्हीं डेट्स के अंदर। तो यही हम आज बात करने वाले हैं कि 20-21 दिन बचे हैं, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या अभी करना है, क्या अभी नहीं करना है। और इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं, वैकेंसीज में अभी अपडेशन हुआ था, 37,409 समथिंग, अगर मैं ठीक हूं तो इतनी ही वैकेंसीज आई हैं इस बार। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, यहां पर ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो कंप्लीट जो भी है हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में टाइपिंग भी यहाँ पर इसमें आपके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ 6 को भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 बोला। इन सबको एक साथ कैसे लेके चलना है वो इन पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। पहली बात तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि डेट एकदम आ गई, अब कैसे करें, एक्सपेक्टेड डेट थी, रिजल्ट आपका था कि रिजल्ट आपका आएगा और तब आपका एग्जाम होगा, बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया है लेकिन मेंस की डेट आ चुकी है। तो आप टीयर 1 के जो आपकी कीज आई थी उनसे आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कहां पर नहीं स्टैंड कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 130 प्लस स्कोर जा रहा होगा, वो डेफिनेटली बैठने वाले हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर डाउटफुल है वो लोग जिनके 100, 105, 110, 120 तक भी जा रहे हैं, उनके मन में भी कोई डाउट होगा। बट अगर आप लेकर चले कि आपका प्री क्लियर होना ही होना है, पहली बात तो ये आप ये मान के चले कि आपका प्री क्लियर होना है। अगर 10-12 दिन आप नहीं पढ़ पाए हैं तो भी कोई बात नहीं, 20 दिन है, 21 दिन है, इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यहां देख लेते हैं। ये पैटर्न है आपका, ये मेंस का पैटर्न है आपके सामने, इसमें क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GA है, कंप्यूटर मॉड्यूल है और डेटा एंट्री है ना, ये 6 चीजें आएंगी, इन्हीं से ही आपका चीजें जो है होने वाली है। कंप्यूटर आपको क्वालिफाइंग नहीं है, डेटा एंट्री भी मतलब ये दोनों आपके सिर्फ क्वालिफाइंग है और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो तो खैर होती ही नहीं है इसमें। तो चलिए यहां पर चीजें आ रही है। पहली बात करते हैं टाइपिंग की। सबसे पहले आप कितनी अच्छी मैथ्स पढ़ लो, कितनी अच्छी आप रीजनिंग पढ़ लो, कितनी GK पढ़ लो, कितनी इंग्लिश पढ़ लो, अगर आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। अभी भी अगर आपने नहीं स्टार्ट की है तो मैं कह रहा हूं आज ही स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, आज ही इन चीजों को स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग बहुत जरूरी है, इतनी टाइपिंग आपकी रिक्वायर्ड है, ओके, 27 वर्ड्स पर मिनट आपके मांगे गए हैं, तो आपको 27 की प्रैक्टिस नहीं करनी है, कम से कम आपको 35 प्लस के पार की जो स्पीड है वो आपको लेके चलनी है। पहली बात तो ये, अगर जिन बच्चों की इतनी आ रही है तो वेल एंड गुड, स्टिल आपको हाफ एन आवर तो देना ही देना है इस चीज को। अब भी एग्जाम तक 30 मिनट्स, अगर जो इसको क्रॉस कर रहे हैं 35-40 का जो लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो आधा घंटा आप अभी भी इस टाइपिंग को दीजिए। और जो लोग 18-20 के आसपास जिनकी टाइपिंग चल रही है या जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, तो उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ना ही, उसको टाइपिंग करनी करनी है। आप कहीं भी जाएंगे, ओपन सोर्स है बहुत सारे, आपकी टाइपिंग जो है वहां से इंप्रूव हो जाएगी, बट इस पर आपको फोकस करना है। बिना टाइपिंग के आपका मेंस जो है वो क्लियर नहीं होने वाला है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो आई होप टाइपिंग वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, बात करते हैं क्वांट्स की और रीजनिंग की। ऊपर यहां पर मैंने टाइम भी मेंशन किया है कि कितना टाइम आपको एक एक पार्ट को आपको देना है, तो उस पर भी आपको जरूर फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास 20 डेज है बस सिर्फ यहां पर, ठीक है। अब 20 डेज में टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोच कर कि हम एग्जाम नहीं हो रहा है, तैयारी नहीं हो रही है, या टीयर 1 का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या करें, मत सोचो वो चीज, वो चीजें सोचकर फायदा तब भी कुछ नहीं होने वाला है ना। तो जो आपके हाथ में है, यही चीज आपके हाथ में है, इसी पर फोकस कीजिए, इसी पर तैयारी कीजिए। ये सोचिए कि अगर ये भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 23 आने वाला है, 23 सीजीएल आने वाला है, CPO आने वाला है, पढ़ाई तो करनी ही है, एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई तो करनी ही है, तो पढ़ाई तो जरूर कीजिए आप, ठीक है।
क्वांट्स की बात करते हैं, कम से कम 3 घंटे इसको देने हैं, ठीक है। इसके इस पर मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस पर फोकस क्यों करना है और इस पर फोकस यहां पर क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्वांट्स आपका पहले भी मेंस में आ रहा था, है ना, मैथ्स आपकी पहले भी मेंस में आ रही थी और अब भी मेंस में आएगी, लेकिन चेंज क्या हो गया है, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का लेवल आपको नहीं पता किस तरह के आपके यहां पर क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बहुत से लोग बैंक के चीजें जो है वो करने लग गए हैं कि पजल लगा रहे हैं, पूरे पूरे दिन पजल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसे चीजें नहीं होने वाली, ठीक है। आपको नहीं पता है तो जब आपको पता है आप वो कीजिए ना। क्या करना है आपको रीजनिंग में, प्री में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, फाइन, 25 क्वेश्चन का आपका एक सेट होता है प्री में, तो कम से कम आपको 3 से 4 उसके जो मॉक टेस्ट है, मतलब उसके जो सेक्शन टेस्ट है रीजनिंग के, आप वो लगाइए, ठीक है। 75 से 100 सवाल आपके ये हो गए, ठीक है, इन्हीं पर फोकस कीजिए, इन्हीं पर स्पीड बनाइए। इसमें से कुछ टॉपिक अगर आपके कवर नहीं हो रहे हैं तो उन पर ध्यान दीजिए, प्लस अगर जिनका ये हो गया है, जिनको इसमें दिक्कत नहीं आ रही है, वो क्या करेंगे, वो बैंकिंग के जो प्री लेवल के हैं, अब मैं पजल की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लड रिलेशन हो गया, स्लॉग्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बैंकिंग में और एसएससी में कॉमन है बट उनका लेवल अलग हो जाता है, तो प्री का जो लेवल है सिर्फ जिनमें मान लीजिए सपोज 3 स्टेटमेंट आ रही है, थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो ये आपको वो बिल्कुल ABCD तो आपको वो नहीं देंगे, है ना। तो जिनकी ये चीज हो चुकी है वो थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्री लेवल पर। क्लर्क का जो क्लेरिकल जो होता है या फिर PO जो होता है उसके सिर्फ प्री लेवल के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, तो भी जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैक्सिमम 1 से 1.5 आवर इसको आप दीजिए। इससे ज्यादा रीजनिंग में आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल नया है, आपको नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आपको यही चीजें पता है, आप इसको ऐसे ही कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट्स की, ठीक है। क्वांट्स में वही चीज, मेंस था पहले भी, मेंस अब भी है, तो 3 घंटे आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम रोज। आप मेंस दीजिए, ठीक है, आप मेंस का जो प्री का जो 2021 का जो मेंस है उसका क्वांट का सेक्शन आप उठाइए, उसका एक सेट लगाइए, उसको सॉल्व कीजिए, उसके जो क्वेश्चन है उनको फिर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो 2023 के बारे में मत सोचिए, आप जो बाकी चीजें उनको करते रहिए, और ये जो पार्ट है ना आपके बेसिक्स हैं आप उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करना। 20 दिन में तब भी आप कुछ चीजें कवर नहीं कर पाओगे, तो अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो अपना सिलेबस पूरा कीजिए, 2023 के जो एग्जाम्स आगे आने वाले हैं आप उन पर ध्यान दीजिए, फाइन। ये था आपकी मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट, प्लस ये सेक्शनल है, और मॉक कब लगाने हैं कब नहीं लगाने मैं उसके बारे में अभी आगे बात करूंगा कि फुल मॉक कब लगाना है, ठीक है। ये आपका डेली का टारगेट है, अभी हम डेली के जो टारगेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मॉक टेस्ट कब और कैसे लगाने हैं उसको देख लीजिए आप। 3 दिन में आपको एक फुल मॉक लगाना है टीयर 2 का, हमारी वेबसाइट पर जाइए, अगर आपने एनरोल किया हुआ है तो वहां आपको 7 to 8 मॉक्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 अभी वहां पर अवेलेबल है, और अभी आने वाले टाइम में वहां पर अभी अपडेट चीजें हो रही है, अगर आप हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नहीं है तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, 2 मॉक टेस्ट आपके लिए यहां पर फ्री है, आप जाइए उनको लगाइए, अपना लेवल चेक कीजिए। तो मॉक्स का आपका ये है कि आपको 3 दिन में एक मॉक लगाना है, और उसी टाइम को आप जो बाकी सब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा आप उसको कम कर लेंगे, जिससे सपोज आप 12 घंटे में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जिस दिन आप मॉक लगाएंगे उस दिन आप कंप्यूटर कम पढ़ लीजिए, या उस दिन आप GK को कम पढ़ लीजिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें करना, ठीक है। तो 3 दिन में एक मॉक, दूसरी चीज, प्लस बात करें हमारे कोर्सेज की यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने अभी हमारा कोर्स नहीं लिया है और आपको एक अच्छा और एक क्रिस्प कंटेंट चाहिए आपको अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपने आपको एनरोल कीजिए। ये हमारे कोर्स की डिटेल्स हैं, इसमें आपको 300 से ज्यादा वीडियोस मिलने वाली हैं। कंप्यूटर नॉलेज ये इस बार ऐड हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्री में तो आपका रीजनिंग आता है, GK भी आती है, वही आपकी मेंस मारी है, बट कंप्यूटर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था हिस्ट्री के अंदर, इस बार इंट्रोड्यूस हो गया है। वहां पर आप जाएंगे, कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे वीडियोस वहां पर पड़ी हैं, आप जाइए उनको देखिए। उसके लिए आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट लिंक, कोर्स पर जाने का डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पर अटैच करा दूंगा, वहां उस पर आप क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली कोर्स पर पहुंच जाएंगे। वहां से जाकर आप अपनी डिटेल्स को फिल कीजिए और उसके बाद फिर आप इस कोर्स को यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की और GK की। वही इंग्लिश में 3 घंटे मैंने क्यों लिखे हैं, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे इंग्लिश को देने हैं। अब इंग्लिश में क्या करना है, 2 चीजें आपको करनी है मेन, ठीक है।
आपको जो रूल्स है, आपको जो रूल्स है ग्रामर के, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है बार 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 बार, और रीडिंग जितनी हो सके उतनी रीडिंग कीजिए, क्योंकि रीडिंग से क्या होता है, आप जितना रीडिंग करेंगे ना, तो आपके जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके आपके जो छोटी मोटी एरर्स जो होती हैं, छोटे मोटे जो फिलर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी रीडिंग से। तो रीडिंग को कम से कम एक घंटा दीजिए आप इस टाइम में, प्लस अपने अपने जो रूल्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, और जो पीवाईपी जो इंग्लिश के जो पुराने मॉक्स हैं आप उनको लगा लीजिए, ठीक है। तो एक घंटे का मॉक या दो घंटे का मॉक जो भी होता है, आपके 100 सवाल आप उनको कीजिए दिन में, और ऐसे ही आपकी इंग्लिश जो है इंप्रूव हो जाएगी। बट पढ़ना रोज है, अब ऐसा कोई टाइम नहीं है कि 20 दिन तक, 1 मार्च तक ऐसा कोई दिन आए कि आप ना पढ़े, 10 से 12 घंटे कम से कम है। ये तो एक नॉर्मल बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है वो तब पढ़ता है, अब उसको आपके ऊपर है कि आप उसको कितना खींच सकते हैं आगे तक, 15-16 घंटे भी ले जाइए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते हैं, जिन्होंने प्री दिया है, जिनको लग रहा है कि हमारा कुछ हो सकता है इस बार, यही 20 दिन है, यही आपकी जिंदगी बना देंगे, यही आपकी जिंदगी बिगाड़ देंगे, ठीक है। बात करते हैं जीके की, 2 घंटे आपको जीके लिए देने हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, करंट पढ़नी है आपको कम से कम लास्ट 6 महीने की, ठीक है। जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, पूरी पढ़नी पढ़नी है। जनवरी फेब की आप 20 फेब तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, 20 फेब तक आप निकट पढ़ सकते हैं, उससे पहले जुलाई से लेकर दिसंबर, तो 8 महीने की, 7.5-8 महीने की आपके पास यहां पर करंट अफेयर्स हो जाएगी, उसको पढ़िए, वीडियो से देखिए। हमारा सोर्स है बीपीडीआई का, नीचे इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाइए वहां पर क्लिक कीजिए, मंथली बीपीडीआई हमारी वीकली भी है, उनको जाके आप वहां पर पढ़ सकते हैं चीजों को, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें प्री के जो मॉक्स हैं, मैंने अभी बताया था 25 क्वेश्चन आते हैं जीके में, आप 2 मॉक लगा लीजिए, जो सेक्शनल मॉक होते हैं, सेक्शनल जो पार्ट होता है जीके का, आप 2 मॉक लगाइए, उसमें 50 क्वेश्चन बैठते हैं आपके, ठीक है। 50-20 दिन में कितने हो गए, 1000 क्वेश्चन। क्या 1000 क्वेश्चन आपको कम लग रहे हैं अभी? 1000 तो आपके बाकी जीके के लिए हो गए, बल्कि करंट आप यहां से पढ़ रहे हैं, तो इसको ऐसे ही आप डिवाइड करेंगे 20 में और 5 में, 5 नंबर आपके यहां से हो गए, ठीक है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं आप उनको देख लीजिए, बट करंट का जो पार्ट है ना, और आपका जो प्री का जो पार्ट है वो आप उसको ऐसे कीजिए, 2 मॉक लगाइए, 50 क्वेश्चन जो आपने कर लिए वो वेल एंड गुड है, जो नहीं किए उनको आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, फाइन। ये था आपका जीके का पार्ट, और नेक्स्ट लास्ट बचता है आपका कंप्यूटर। इस बार कंप्यूटर न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, ये यहाँ पर हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट है, इसमें यहाँ पर पार्ट वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बीबी क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, प्लस हमारा एक वाईटी का शेड्यूल भी है जो भी अभी स्टार्ट हो जाएगा परसों से, और कल आपके लिए जो स्ट्रेटेजिक वीडियो है एक अलग 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 सब्जेक्ट वाइज, क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर भी हो और जीके भी हो, इन सभी की वीडियोज कल आ जाएंगी, उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप 20 दिन में आप क्या क्या पढ़े एक सब्जेक्ट वाइज। ये एक ओवरऑल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल इसका एक डिटेल्ड वीडियो आएगा सब्जेक्ट वाइज, 5 वीडियोस आएंगे, आप उनको देख लीजिएगा, प्लस 2 × 2 × 3 करके जैसे भी आपको देखना हो, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, फोकस कीजिए आप एमसीक्यूज पर, पीवाईपीज पर, 20 क्वेश्चन आएंगे तो वहीं से आप चीजें उनको कर सकते हैं, प्लस हमारी वीडियोस है, हमारे चैनल पर जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वहां से आप देख सकते हैं कि वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। इसमें एक सीरीज भी आएगी अभी कंप्यूटर की जो हमारी तब तक चलेगी, और अब अगर आप वही देख लेंगे तो वही आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी, बहुत हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। तो यही था हमारी आज की इस वीडियो में, 20 दिन है, दम से पढ़ाई कीजिए, एकदम जोर लगे पढ़ाई कीजिए इसमें, और देखिए कि अगर 20 दिन अगर आपने पढ़ लिया तो ये 20 दिन अगर आप या तो आपकी जॉब के लिए, और अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है 20 दिन पढ़ने के बाद, तो आगे की आपकी जो पढ़ाई है उनके लिए भी आपके जो ये 20 डेज है ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। कोई फर्दर क्वेरी हो, कोई अपडेट हो, कुछ आपको पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्लस ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जाइए एक बार हमारी वेबसाइट पर, यहाँ पर देखिए हमारे कंटेंट को एक बार जरूर देखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल वीडियोस आएंगे स्ट्रेटेजी की, उनको आप जरूर देखिएगा, और अपनी पढ़ाई में आज से ही, जब से आप ये वीडियो देखें तभी से ही अपनी पढ़ाई में आप लग जाइए अच्छे से, और इस बार आपको सीजल क्रैक जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।